तेरह में चतुर टॉम के बारे में जानेंगे। आप लोग देखते हैं कि यहाँ एक टॉम नाम का एक लड़का है और प्रस्तुत पाठ में टॉम की चतुराई और बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। टॉम अपनी चतुराई से अपने मित्रों की मदद से चार दीवारी की पुताई करते हैं और बहुत ही सुंदर बना देते हैं चार दीवारी को। तो आइए आप पुस्तक में देखें, हम लोग यह चतुर टॉम को देखते हैं। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर। वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टॉम कैसा था, एक नटखट बच्चा भी था और एक बहादुर बच्चा भी। तो नटखट का अर्थ होता है, नटखट का अर्थ होता है शैतान। और यह नटखट के साथ साथ कैसे बच्चा भी था, बहुत धनी। बहादुर का अर्थ होता है वीर। एक दिन पॉली मौसी ने टॉम की बढ़ती हुई शैतानियों को देखकर उसे सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी चहर दीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उनकी शैतानी को देखते हुए, उनके नटखटपन को देखते हुए उनकी बूढ़ी पॉली मौसी क्या करती है, उनको एक सजा सुनाती, यह काम दे दिया जाता है और चार दीवारी का पुताई में सफेदी करना। चार दीवारी का अर्थ होता है जहाँ चारों तरफ से घेरा हुआ दीवार को ही हम क्या कहेंगे, चार दीवारी। शनिवार का दिन था, हर तरफ कुनकुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चार दीवारी की पुताई के लिए निकला था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करने में ही इसे बिताऊंगा, आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसी समय वहां से घर का नंबर जिम बाल्टी में हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए निकला। टॉम ने उसे ध्यान से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला दूंगा देता हूँ। जिम टॉम के कहने पर पुताई के काम में लग गया, पर तभी सामने पॉली मौसी आती दिखाई दे रही थी। उसने झट से खाली बाल्टी उठाई और भाग। तो यहाँ देख रहे हैं कि टॉम को जब काम मिला तो वह क्या करने लगा। उसको लगा कि इतनी सुंदर सुनहरा मौसम में मैं यही चार दीवारी का ही पुताई करते रहूं। तो जब उनके नौकर बाल्टी हाथ में बाल्टी पकड़ी पानी लाने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ, उनको वह बहुत प्यार से बुलाता है और उनसे मदद लेने के लिए देखे हैं कैसे चतुराई से यहाँ काम ले रहे हैं। टॉम बड़ा उदास होकर पुताई करने लगा। कुछ देर बाद मैनोवर से खाता हुआ स्टीमर की नकल करता उछलता कुत्ता वहाँ आया। उस समय टॉम चार दीवारी के एक हिस्से की पुताई कर चुका था और सफेदी के छींटे उसके कपड़ों और शरीर पर पड़ चुके थे।
बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तो टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे रोज रोज जहाँ दीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है, मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुम्हें क्या कहूँ। देखिए यहाँ वह क्या करता है, उदास होकर। उदास का अर्थ होता है अप्रसन्न, उदास या अप्रसन्न। उसने बड़ी मनोहार करते हुए कहा, टॉम जरा मुझे भी बुताई करने दो ना। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी, बोला, मैं क्या कहूँ, पॉलीमोसी नहीं मानती है। अभिजीत भी बुताई करना चाहता था और सिद्ध भी, पर मैंने साफ मना कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जानते हो पोली मौसी कितनी डांटेगी। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कितनी चतुराई से अपना काम दूसरों से कराने के लिए यहाँ कर रहे हैं। चतुराई का अर्थ क्या होता है, होशियारी। चतुराई का अर्थ होता है होशियारी। बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दे दूंगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि उनकी होशियारी के कारण उनके दोस्त इसे क्या करते हैं, यहाँ आसान दिखाते हुए वह क्या करते हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि उसे अनुरोध कर रहे हैं। क्या अनुरोध कर रहे हैं कि मैं कहीं गड़बड़ होने के लिए नहीं दूंगा, बहुत अच्छी तरह से ही पुताई का काम करूंगा। टॉम ने बड़ा आसान दिखाते हुए अपना ब्रश को क्या करता है, ये छोड़ देता है और बेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने लगता है। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए, उन्होंने टॉम को चिढ़ाने की कोशिश की, मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस गए। जब एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर उत्साह से पुताई करने में जुट जाता। टॉम अपनी निगरानी में उनसे काम करवा रहा था। कभी कहता, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। वे बच्चे टॉम के आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते, इस डर से कि कहीं टॉम उसे ब्रश न छीन ले। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि वह क्या कर रहे हैं, वह कितना आसान के साथ क्या करते हैं, अपना ब्रश को छोड़ देते हैं। आसान मतलब खुद का आसान का। तो
वेदों को प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। आर्टॉन के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नील शीशी का टुकड़ा जैसे बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। अब देखिए, उनके दोस्त भी क्या करने लगे, उनसे काम मांगने के लिए, ताकि हमको काम दे। इसीलिए उसको अपनी जो चीजें थी उनको देकर वह उनका काम को करने लगे और खुशी पूर्वक वह चार दीवारी का पुताई करने लगे। कुछ ही देर में चार दीवारी पर तीन तीन बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगे। आर्टॉन की खुशी का ठिकाना ना था। वह दौड़ा दौड़ा पड़ोसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊँ ना मौसी। अरे अभी से पहले बुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ अब तक तुमने कितनी बुताई की है। तो विजय गर्व से भर कर बोला, पूरी चार दीवारी की बुताई हो गई मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम, मौसी ने गुस्से में आंखें दरेर कर उसकी ओर देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ, सचमुच पूरी चार दीवारी पुत गई। पूरी चार दीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। यह देखकर पूरी मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। तो समुद्र का अर्थ क्या होता है, सागर। मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना का अर्थ क्या होता है, शाबाशी देना। मजे से सेब को उतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, वाह आज का दिन कितना अच्छा है, अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। तो इस पाठ से मार्क ट्वेन लेखक हमको यह सिखाना चाह रहा है, यह बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने काम को चतुराई से करनी चाहिए और अपनी मित्रता को बरकरार रखनी चाहिए और हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पोलिमोसी बूढ़ी पोलिमोसी टॉम को यहाँ पर पुताई करने का जो काम दिया जाता है, तो क्या होता है टॉम उसको उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए बहुत सुंदर से और अपनी मित्रता को बरकरार रखते हुए बहुत ही अच्छी तरह से बहुत कम समय में कर लेता है। तो हम भी यही टॉम के जैसे चतुराई, मित्रता और आज्ञा पालन करने वाले बच्चे। आज के लिए इतना ही। अगले वर्ग में या अगले क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।